गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। एज यूजुअली हमारे दिन की शुरुआत हो रही है कॉलेज जाने से और दिन का एंड भी होगा हमारे कॉलेज से आने के बाद। और आज एक थर्मो की क्लास है क्योंकि थर्मो के सर का मैसेज आ गया था कि अपनी नोटबुक वगैरह लेके आना, तो इसलिए आज एक थर्मो की क्लास है। बाकी और क्लास का पता नहीं, लंच के बाद और क्लासेस होती भी हैं तो वहाँ आज हम में से कोई नहीं जाएगा। हम में से मतलब मेरे और अभी में से, बाकी औरों का तो मेरे को पता नहीं है जो मेरे अगल बगल चल रहे हैं। ये एनसीसी वाला है, ये भी नहीं जाएगा। अंकित तो ऐसे ही नहीं जाता है लंच के बाद उसकी हमेशा रहती है। मैं तो जाऊंगा भाई। हाँ भाई जाएगा भाई, मतलब स्टडीज को लेकर बहुत सीरियस हूँ ना भाई। हमारा सीरियस है, हमारे देश का भविष्य है, इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियर है। मैं लाइफ में कुछ करना चाहता हूँ। हाँ, और हम तो कर चुके हैं जितना करना था, हमें पता है हमारा हमसे कुछ ना हो पाएगा, तो हमने अपना सारा भार इनके कंधों पे सौंप दिया। क्योंकि मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, मैं ऐसा नहीं कि बीटेक करने के बाद हेलो गाइस वेलकम टू माय ब्लॉग बोलूँ। देख लो भाई, बेइज्जती मार रहा भाई। चलो कोई नहीं, कल के दिन यही बोलेगा। कल के दिन अगर हम फेमस हो गए, कल के दिन कहेगा बिग फैन सेल्फी लेने आएगा। नारा मैंने अपनी एक टी शर्ट से ऑटोग्राफ ले रखा है, इससे वही सबको दिखाया करूँगा। कहा वो जब फेमस हो गया तो उसका ऑक्शन करूँगा, और बाई चांस नहीं पाया तो उसको जला दूंगा। अरे भाई 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 भाई, फिर भी यानी कि भाई धो दूंगा टी शर्ट कहाँ हो जाएगी, नहीं जला दूंगा। उसपे ऐसे हाथ लग चुके हैं, क्या बताओ। अच्छा ठीक। गाइस सब्सक्राइब करो भाई को। हाँ भाई सब्सक्राइब करो यार, मैंने कल भी बोला था आप भी, और अभी भाई भी बोल रहा है। और एक बात और बताना चाहूँगा, शायद आज हमारे जो सीटी हुए थे उसकी कॉपी वगैरह दिखाएं, उसके नंबर वगैरह दिखाएं। अगर वो दिखाएंगे तो बड़ी बेइज्जती की बात, बड़ी शर्म की बात हो जाएगी हमारे लिए कि कहाँ मुझ पे आ जाएगी क्लास में। क्योंकि एक तो हमारी क्लास में आज वैसे लड़के आ नहीं रहे, लड़के इसलिए बोला क्योंकि लड़कियाँ हैं नहीं हमारी क्लास में, एक लड़की, आप उसका तो नहीं क्या गिनती करें। सो लड़के आ नहीं रहे, और रवि भी नहीं आया। रवि की तबीयत खराब है, उसने तो सीटी भी दवाई खा के देखी थी, तो हम बोला था मेरे नंबर भी देख लेना, अगर नंबर दिखाएंगे अपने भी देख लूँगा उसके भी देख लूँगा, तो आपसे मिलते हैं कॉलेज में। अगर मौका मिला तो दिखाऊंगा कि कैसे से बेइज्जती मारी जा रही है, और बाकी अगर ज़्यादा बेइज्जती मारी होगी फिर नहीं दिखाऊंगा। हाँ थोड़ी बहुत हो रही होगी तो वो दिखा दूंगा। लंच से पहले की सारी क्लासेस कंप्लीट हुई है, सारी बोले तो सिर्फ दो ही क्लास हुई, तो हम 12 बजे अब जा रहे हैं हॉस्टल, फिर अब सीधे कॉलेज, मंडे को जाना है। सो पहले हॉस्टल जाता हूँ, चेंज करता हूँ, फिर उसके बाद जाएंगे धारे। रवि और मैं जाएंगे आज धारे कपड़े धोने के लिए, क्योंकि हॉस्टल में अभी तक का पानी चले गया होगा। सो कल और परसों का दिन हमारा पूरा बच जाए, इसलिए आज ही हम अपने कपड़े धोएंगे, और लंच के बाद फिर कॉलेज ना जाके फिर जाना है हमको घूमने के लिए। दिखाता हूँ जो पहाड़ी दिख रही है वो पहाड़ी के ऊपर, क्योंकि वहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू आता है करके सुना है। सो लंच के बाद रवि और मैं वहाँ जाएंगे आज। सो दोस्तों हमारी गैंग चल पड़ी नीचे धारे कपड़े धोने के लिए, इसमें रवि मेरे कपड़े, ये बाकी ये दो हम अपने ईसी वाले चड्डी बड्डी के कपड़े हर्ष और जतिन के। भाई को टाउट आउट दे देना भाई, हर्ष भाई कभी नहीं आते यार बार बार वीडियो में। मैं बताओ, हेलो भाई। अरे हट यार, सॉरी ये गलती से आ गया। सो गाइज आज नीचे धारे में कपड़े धोने वालों की काफी भीड़ लगी थी, जिसको जहां पर जगह मिली उसने वहां पर कपड़े धोने शुरू कर दिए, और जिसको कहीं पर जगह नहीं मिली वो बंदा वेट कर रहा था। और कुछ लोग वहां बाल्टियों को लाइन पे लगा के अपना नंबर लगा के इधर उधर चले गए कि भाई चलो हमारा नंबर आएगा, हमें जगह मिलेगी, हम कपड़े धोएंगे। मतलब इतने टाइम से हम लोग यहां धारे जा रहे, आज पहली बार धारे में इतनी ज्यादा भीड़ देखने को मिली, और वो भी पता नहीं क्यों हुई। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे जतिन भाई कितने गौर से कितने सुर में लगे पड़े हैं, बिल्कुल ध्यान मग्न हो गए कपड़े धोने में। अगल बगल भाई का कहीं ध्यान भी नहीं है, रवि उसकी हेल्प कर रहा है। बाकी रवि से मैं बोलता हूँ कि मेरी भी अगर जाकर हेल्प करता तो नहीं है। और एक जितिन ने भी तो थप्पड़ मार रहे हैं साइड में बगा रखा है इसको, क्यों ये भाई अलग हो रहा है हमारा। आज की ताज़ा खबर, यहाँ पर चुकी है बर्फ,
संजय भाई बिल्कुल आप बर्फ में ग्लव्स व्लव्स पहन के तैयार हो रहे हैं। अब इन्होंने बस एक मफलर पहनना है और ग्लव्स पहनना है, फिर संजय भाई बर्फ में खेलने के लिए तैयार है। अब इतना ठंडा हम लोग निक्कर में घूम रहे हैं, निक्कर टी शर्ट में। कोई नहीं, क्या बोलना चाहेंगे आप यहाँ के मौसम के बारे में हमारे ऑडियंस के लिए, बोलो। मैं क्या बोलूं, क्या बोलूं मैं, क्या नहीं, तुम लोग एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो इस वक्त, मैं क्या बोल सकता हूं, मैं कुछ नहीं बोल सकता। सो गाइस डिनर हमारा हो गया है, बाकी हम जब धारी से कपड़े धोए उसके बाद रूम पे आ जाते, 5:30 हो गया था। तो जैसे मैंने भी आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि आज हम घूमने जाएंगे ऊपर पहाड़ी पे, तो हम जा नहीं पाए क्योंकि 5:30 हो गया था और थक भी गए थे। अगर हम चले भी जाते वहाँ पहुँचते हमको रात हो जाती ना, हमको कुछ दिखता और फिर इसका लगता क्योंकि यहाँ पहाड़ तो बाघ वगैरह आता है तो जंगली जानवर वगैरह इसका बना रहता है। तो हम हॉस्टल पे रुके, तो ये देखो हमें लेट हो गई थी तो हम लोगों ने कपड़े ऐसे ही डाल रखा है, ये मैंने डाल रखा है, ये अपने रवि ने डाल रखा है और ये हमारे जतिन ने डाल रखा है। बाकी डिनर वगैरह हो गया, अभी लोग रूम पे आए नहीं है खाना खा के, शायद ऊपर ही टहल रहे हैं, मैं रूम पे आ गया, मुझे वीडियो एडिट करनी थी। तो इस वीडियो को करते हैं पर एंड, कल को मिलते हैं नए व्लॉग में, तो टिल देन बाय, गुड नाइट। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना और करवाना ना भूलना।